तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया एक इंडिपेंडेंट 3 BHK फ्लैट, यानी कि एक फ्लोर पे एक फ्लैट, वो भी एल टाइप कॉर्नर। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे खासे स्पेस के साथ आपको एक 3 BHK फ्लैट मिल रहा है। और इस फ्लैट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इस पर LIC से 6.9K रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन अवेलेबल है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप लोग एक बिल्कुल लो प्राइस रेंज में 3 BHK फ्लैट एल टाइप कॉर्नर, जिसमें हर रूम को वेंटिलेशन मिल जाए, दो बालकनी मिल जाए, दोनों तरफ चौड़ी रोड हो, इंडिपेंडेंट यूनिट यानी एक फ्लोर पे एक फ्लैट हो, ऐसा फ्लैट सर्च कर रहे हो ना, तो आज मैं आपको ऐसी ही बिल्डिंग पे लेकर आया हूँ और मैं आज आपको अपनी उसी बिल्डिंग का होम टूर कराने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे इस फ्लैट की। तो इसका बिल्टअप एरिया मिलता है 85 गज, 85 यार्ड का इसका बिल्टअप एरिया है, जो कि फ्री होल्ड ये प्रॉपर्टी है, डबल वॉशरूम के साथ है, एल टाइप कॉर्नर है, इसमें दो बालकनीज आपको मिलती है। और दोस्तों, इस पे नीचे रिजर्व कार पार्किंग का स्पेस है और बहुत ही ईजी अप्रोच है उत्तर नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से इस प्रॉपर्टी पे आने के लिए। हार्डली 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आएगी प्रॉपर्टी फ्रॉम मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों, ये है हमारी इस प्रॉपर्टी के छोटा सा डिस्क्रिप्शन का पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया। तो ज़्यादा देर ना करते, इस खूबसूरत से फ्लैट का होम टूर शुरू करते हैं। होम टूर शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन ऑन कर लो, ताकि जितने भी हमारी ऐसे बेहतरीन फ्लैट्स की वीडियोस हैं जो आती हैं, अपलोड्स होती हैं, वो आप तक ज़रूर पहुंच सके जब आप बेल आइकन का बटन ऑन करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस खूबसूरत से फ्लैट का होम टूर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे 3 BHK फ्लैट के अंदर। मैं अब आपको अपने सैंपल फ्लैट के अंदर लेकर आ चुका हूँ। तो फ्लैट का होम टूर शुरू करने से पहले मैं इसका वास्तु समझाता हूँ। बहुत सारी हमारी फैमिलीज है जो वास्तु कंप्लेंट के अकॉर्डिंग घर सर्च करी होती हैं। आप इस फ्लैट से एंट्री लोगे तो ये होगा आपका वेस्ट फेसिंग, अगर आप एग्जिट लोगे तो ये होगा आपका ईस्ट फेसिंग। तो दोस्तों, पूर्व और पश्चिम की दिशा के अकॉर्डिंग घर है। बाकी स्पेस को अकॉर्डिंग हमने जितना वास्तु इसमें यूज़ कर सकते हैं वो हमने कर रखा है। बाकी दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट स्टेयरकेस का पार्ट हो गया, तो इंडिपेंडेंट यूनिट है, तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जैसे हम अंदर आते हैं दोस्तों, इस फ्लैट के अंदर ये हो गया हमारा एक बहुत ही अच्छा खासा स्पेशियस ड्राइंग रूम। तो दोस्तों, सुनने में 85 गज यानी 85 गज सुनने में जितना छोटा है ना, देखने में उतना ही अच्छा है। पर्सनली आप इसको विजिट करो क्योंकि मेरा वादा है दोस्तों, आपको इतने लो प्राइस रेंज के अंदर एल टाइप कॉर्नर फ्लैट, वो भी इतने सारे बेनिफिट्स के साथ, नहीं मिलने वाला। तो जल्दी से इसको बुक करो क्योंकि अभी इसमें कुछ ही यूनिट्स अवेलेबल हैं। इससे पहले यूनिट्स बुक होना शुरू हो तो अभी ये आपके सपनों घर बन सकता है। बाकी दोस्तों, ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट, जिसमें आपको कंप्लीट स्पेस मिल जाता है सोफे के लिए। ये एल टाइप का स्पेस बन जाता है सोफे के लिए, जिसमें आप अपना आराम से 12 सीटर का सोफा प्लेस कर सकते हो विद सेंटर टेबल के साथ। उसी के अकॉर्डिंग जब आप लोग यहाँ पे अपना सोफा प्लेस करते हो, हमने यहाँ पे ठीक टीवी पैनल डिज़ाइन कर रखा है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको हमने डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें आपको 3 शोकेस मिल जाते हैं सामान रखने के लिए डेकोरेटिव लाइट के साथ। प्लस यहाँ पे आपको कहते हैं टीवी लगाने के लिए जगह मिल जाती है, 50 से 60 इंच का टीवी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी शेल्फ मिल जाती है, एक काउंटर टॉप यहाँ मिल जाता है, 3 चैनल ड्रॉर जिसमें हमने दे रखे हैं स्टोरेज के लिए। तो ये हो गया हमारा टीवी पैनल ड्राइंग रूम का पार्ट। ऑल्दो दोस्तों, ये एल टाइप कॉर्नर है, तीनों रूम्स को बालकनी का आपको विंडो मिल जाती है, 2 रूम्स को बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, तो वेंटिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रूम का भी एसी चलाओगे तो भी ड्राइंग रूम ठंडा रहेगा, बट फिर भी हमने यहाँ पे स्प्लिट एसी की वायरिंग फिटिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डक्टिंग का काम सारा हो रखा है, तो अगर किसी फैमिली की रिक्वायरमेंट है ड्राइंग रूम में भी एसी लगाने की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रखा है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट। अब इस फ्लैट की अगर आप जैसे बात करते हैं, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत, इसमें हमने 3D कस्टमाइज वॉलपेपर लगा रखा है, विच इज़ क्वाइट यूनिक। आपने ऐसा वॉलपेपर बहुत कम देखा होगा फ्लैट्स में। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा वॉलपेपर का पार्ट, जो इसकी लुक को ज़्यादा एनहेंस करता है। बाकी दोस्तों, इसके अंदर जो ये वॉलपेपर वाला पार्ट, इंटीरियर का पार्ट, ये हमारी चॉइस पर रखा है सैंपल फ्लैट में। ऊपर के फ्लैट अभी हमारे रॉ हैं, तो अगर आप लोग उसमें कुछ थोड़ा बहुत इंटीरियर का चेंज कराना चाहते हो, वॉलपेपर और पेंट्स रिलेटेड, वो आप करा सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट। बाकी इस ड्राइंग रूम के अंदर दोस्तों, एल टाइप का सोफा रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास इतना स्पेस है कि आप एक राउंड टेबल जो होता है, डाइनिंग टेबल का जो काम करता है, वो भी आप रख सकते हो। 4 सीटर का राउंड टेबल आप यहाँ पे आ जाएगा, क्वाइट कंफर्टेबल। तो स्पेस को लेकर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली इस फ्लैट के अंदर। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इस एंटायर फ्लैट की, तो दोस्तों इस ड्राइंग रूम के अंदर हमने डार्क टोन की हाईलाइट अपना डार्क टाइल्स लगा रखे हैं, विच इज़ ब्रांडेड सोमैनी कंपनी की टाइल्स है, एंटी स्किड है, स्क्रैचलेस है, कंप्लीट आपको कहते हैं डार्क टोन की इसमें टाइल्स मिल जाती है, जो उसके लुक को ज़्यादा एनहेंस करती है।
अगर मैं बात करता हूँ अदर बेडरूम्स की, तो कंप्लीट बेडरूम्स के अंदर आपको वाइट टोन की टाइल मिल जाती है। तो दोस्तों ये हो गया ड्राइंग रूम का पार्ट। जितनी खूबसूरत इसकी फ्लोरिंग है ना, उतनी खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग भी है, जो इसकी छत को ज़्यादा इम्प्रोवाइज करती है। कंप्लीट इसमें हमने कहते हैं वार्म और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन दे रखा है। बाकी बहुत ही हैवी फैंसी शैंडलियर दे रखा है, और ये मल्टी कलर लाइट के साथ है, ब्लूटूथ स्पीकर के साथ है। तो आप लोगों के घर में कभी कोई फैमिली फंक्शन है, गेट टुगेदर है, तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग इसकी लाइट्स चेंज कर सकते हो। और बाकी कंप्लीट आपको ब्रांडेड फैंस मिल जाते हैं अंडर वारंटेड। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का पार्ट, जो भी आपने देखा। और ठीक अगर मैं बात करता हूँ इसके ड्राइंग रूम के ठीक सामने यहाँ पे मिल जाते किचन, जो कि एक अच्छे स्पेस में है किचन। तो किचन के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, 2 से 3 लोग आराम से खड़े होकर इसमें कुकिंग कर सकते हैं, जो हर एक लेडी का कंसर्न होता है। एल टाइप का स्लैब मिल जाता है, और इस किचन के अंदर भी आपको विंडो मिल जाती है जो कि ओपनेबल है, एग्जॉस्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो घर के अंदर जो तड़के वाले खाने बनते हैं उसकी स्मेल घर में नहीं रहेगी, इस फ्लैट की खासियत है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ स्टोरेज की, तो नीचे भी कंप्लीट आपको चैनल बास्केट्स मिल जाती हैं, जिसमें आप अपने यूटेंसिल्स, आटे का ड्रम, गैस सिलेंडर, लेटेस्ट स्टफ आप सारा इसमें असेंबल कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो जितना स्पेस नीचे है दोस्तों, उतना स्पेस ऊपर भी है। कंप्लीट आपको ऊपर की वुडन कैबिनेट्स मिल जाती है सामान रखने के लिए, कंप्लीट इसमें सेक्शन हमने डिवाइड कर रखे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें भी, तो यहाँ पे किचन के अंदर आपको चिमनी का प्रोविजन हमने दे रखा है, चिमनी आपको लगी मिलेगी हमारी तरफ से। बाकी सिंक का प्रोविजन हो गया बर्तन धोने के लिए, ये आपको बर्तनों के रैक के लिए प्रोविजन हो गया, यहाँ पे आप अपना बर्तनों का रैक लगा सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया किचन का पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ इस किचन के अंदर, तो यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत एक कॉर्नर क्रिएट कर रखा है डेकोरेटिव स्टफ, जिसमें आप अपने क्रॉकरी से रिलेटेड कुछ भी फैंसी आइटम आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ पे अभी आपकी CNC कटिंग एक जाली लग जाएगी MDF की, जो उसके लिए कोर ज़्यादा एनहेंस करेगी। बाकी यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है, आप चाहो तो इसको बार सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो अपने ग्लास के शेल्फ लगा के बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। तो ये आप लोगों के अकॉर्डिंग है। बाकी दोस्तों ये हो गया हमारा किचन का पार्ट, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो भी आपने देखा। बाकी किचन में भी हमने यहाँ पे फैंसी शैंडलियर दे रहे हैं, जो कि आपके कहते हैं लुक और ज़्यादा एनहेंस करता है। कंप्लीट आपको फॉल सीलिंग का वर्क इसमें भी हो रखा है। तो दोस्तों ये है किचन का पार्ट, ड्राइंग रूम का पार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक साथ में हमारे यहाँ पे मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। ये हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम दोस्तों, जो कि एक अच्छे बड़े स्पेस में है। कंप्लीट वॉल टू वॉल प्रॉपर टाइल्स मिल जाती हैं, बाथ फिटिंग आपको सारी लगी हुई मिलेगी। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है एग्जॉस्ट फैन का। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम। तो जैसे हम बात करते हैं कॉमन वॉशरूम के बाद की, तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो कि 10x10 का है, विच इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल। आप 5x6 का बेड या 6x6 का बेड आराम से इसमें लगा सकते हो, चाहे आप बेड ऐसे लगा लो, चाहो तो बेड ऐसे लगा लो, दोनों तरफ से आपको स्पेस मिल जाता है। बाकी इस रूम में भी हमने अलमीरा ऑलरेडी बना रखी है, जो कि स्पेशियस आपको अलमीरा मिल रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे एंगर रोड हम आपको अभी लग जाएगी। ऊपर भी सेक्शन है, नीचे चैनल ड्रॉअर है, और नीचे भी आपको सेक्शन मिल जाता है सामान रखने के लिए। तो ये है दोस्तों हमारी अलमीरा का पार्ट। और मैं बात करता हूँ इस रूम की इंटीरियर की, तो दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल और डिसेंट आपको वॉलपेपर मिल जाता है। बाकी ऊपर फॉल सीलिंग में भी आपको सेम वॉलपेपर की थीम मिल जाती है, जो उसकी लुक को बिल्कुल चेंज कर देती है। बाकी अगेन इसमें भी आपको कंप्लीट वार्म और वाइट लाइट का हमने कॉम्बिनेशन दे रखा है, फैन ऑलरेडी लगा रखे हैं। और इस रूम के अंदर आपको विंडो का प्रोविजन है, यहाँ पे विंडो से का प्रोविजन मिल गया, ये विंडो हमारी ओपनेबल होगी, और साथ में आपको मिल जाती है बालकनी में एक्सेस। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट रूम में जाने के लिए, जो बालकनी का एक्सेस है वो आपको एक्सेस मिल जाता है। बाकी बालकनी बहुत अच्छी खासी स्पेस में है, तो आप लोग चाहो तो इसमें चेयर डाल के बैठ सकते हो, इतना क्वाइट कंफर्टेबल आपको स्पेस मिल रहा है बालकनी के अंदर। तो दोस्तों ये है हमारा बालकनी का पार्ट। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग ऑलरेडी लगा रखी है, कपड़े सुखाने के लिए भी एंगल क्लॉथ लग जाएंगे। कंप्लीट आपको 20 से 25 फुट चौड़ी रोड मिल रही है, RCC की रोड है, सीवर लाइन ऑलरेडी डला हुआ है। बाकी दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट बालकनी का स्पेस, यू कैन सी दैट नेचुरल लाइट का प्रोविजन पूरा है, तो घर के अंदर कहीं भी हर टाइम लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत ये कि यहाँ पे आपको गैस पाइप लाइन भी है, एल टाइप कॉर्नर है, दोनों तरफ 20 फुट चौड़ी रोड मिल जाती है, मेट्रो स्टेशन से हार्डली 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, LIC से होम लोन है। तो दोस्तों इतने बेनिफिट्स हैं, तो जल्दी से उसको बुक कराओ, क्योंकि मेरा वादा है आपसे आपको ऐसा फ्लैट दोबारा नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो इसको अपनी फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, जैसे हम बाहर आते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाकी के 2 बेडरूम। ये है हमारा सेकंड बेडरूम और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम में। तो दोस्तों जैसे हम आते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में, ये है अप्रोक्स 12x10 का रूम, 10 फुट इसके कहते हैं, जो लेंथ ऐसे मिलती है अप्रोक्स 12 फुट की मिलती है, 10 फुट की ऐसे चौड़ाई मिल जाती है, जो कि कम्फर्टेबल रूम साइज़ आपको मिल रहा है। इसमें भी हमने एक अच्छी बड़ी अलमीरा ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो अगर मैं इसके भी स्पेस की बात करता हूँ, तो ये आपके पास अच्छा खासा स्पेस है, हैंगर रोड अभी लग जाएगी,
यहाँ पे आपको कहते हैं ऊपर सेक्शन मिल जाते हैं, दो चैनल ड्रॉर्स मिल जाते हैं, नीचे भी आपको कंप्लीट कैबिनेट मिल जाती है सामान रखने के लिए। तो अच्छी बड़ी अलमीरा इस रूम के अंदर भी हमने ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो इस 3 BHK के अंदर आपको हमारी तरफ से दो वॉशरूम है, तो दो अलमीरास का प्रोविजन भी है। बाकी ये हो गया हमारा कहते हैं फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर भी यहाँ पे आपको विंडो मिल जाती है, जो कि विंडो इसी के साथ है, प्लस आपको विंडो ओपनेबल है। और अगर मैं बात करता हूँ इस रूम के इंटीरियर की, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट वर्क इसमें कर रखा है, बहुत ही प्यारी। इसमें भी फॉल सीलिंग वर्क कर रखा है हमने, जो कि एंटायरली डिफरेंट है ड्राइंग रूम और फर्स्ट बेडरूम से। बाकी कंप्लीट वार्म लाइट और ब्लू अपना कहते हैं वाइट लाइट का हमने कॉम्बिनेशन दे रखा है। ऊपर भी हमने प्रॉपर वॉलपेपर की थीम चला रखी है, वही सेम थीम हमारे यहाँ नीचे वॉलपेपर की आ जाती है। तो बहुत ही सूथिंग चीज़ आपको देखने को मिल रही है, कहीं पे भी पंपिंग शो नहीं है। तो ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकेंड यानी कि थर्ड बेडरूम में। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड बेडरूम, और इस थर्ड बेडरूम के अंदर जैसे हम आते हैं ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इसमें भी आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो दोस्तों ये है इसका जो रूम साइज मिलता है, अप्रॉक्स 11x10 का रूम साइज मिलता है। अगेन ये भी बहुत ही कंफर्टेबल रूम साइज है, 6x6 का बेड आप इसमें आराम से रख सकते हो, प्लस आपके पास स्पेस मिल जाता है अपनी अलग से अलमीरा बनाने के लिए। बाकी यहाँ पे हमने आपको बहुत ही अच्छा खासा आपको टीवी पैनल मिल रहा है, जिसमें हमने कहते हैं फोकस लाइट लगा रखी है, जिसके लुक को ज़्यादा एनहांस करती है। यहाँ पे अच्छा बड़ा आप टीवी असेंबल कर सकते हो। शेल्फ मिल जाती है सामान रखने के लिए, एक नीचे शेल्फ मिल जाती है, अगेन नीचे भी आपको 3 चैनल ड्रॉर्स मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड बेडरूम मास्टर बेडरूम। अगर मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की, तो इसकी भी जो फॉल सीलिंग है एंटायरली डिफरेंट, बहुत ही प्यारी, इसमें डिसेंट हमने फॉल सीलिंग कर रखी है। कंप्लीट वार्म और वाइट लाइट का इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन हमने दे रखा है, बाकी फैन ऑलरेडी लगा रखा है। और अगर मैं बात करता हूँ वॉलपेपर की, तो बहुत ही प्यारा इसमें भी हमने ये वॉलपेपर लगा रखा है, जो इसके लुक को ज़्यादा एनहांस करता है। बाकी दोस्तों ये हो गया हमारा अटैच वॉशरूम इस बेडरूम के साथ, जो कि एक अच्छे स्पेस में है। तो ये हमारे पास कंप्लीट आपको वॉल टू वॉल टाइल्स मिल जाती है। ये हमारे पास सेक्शन अंदर की तरफ हो गया, वहाँ पे आपको ऊपर विंडो मिल जाती है, उसमें भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन में पूरी हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये है इस स्पेस, प्लस इस रूम के अंदर भी विंडो एसी का प्रोविजन है, विंडो हमारी ओपनेबल है। और ये हो जाती है हमारी बालकनी, जो कि ये बालकनी भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी चौड़ी आपको मिलेगी। इसमें भी आप चेयर डाल के आराम से बैठ सकते हो, इतना कंफर्टेबल आपको इस बालकनी में स्पेस मिलता है। तो ये है कंप्लीट स्पेस। बाकी वहाँ पे भी आपको कहते हैं एंड तक है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग ऑलरेडी हमने लगा रखी है। तो दोस्तों ये कंप्लीट सेक्शन के साथ, बाकी यहाँ पे हमारा टैप का प्रोविजन है। तो आप लोग अपनी वॉशिंग मशीन रखोगे तो यहाँ पे वो टैप का प्रोविजन मिल जाता है, वहाँ पे ड्रेन के लिए प्रोविजन हो गया, पावर का पॉइंट हो गया। तो बेसिक जो डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी हमने इसमें फुलफिल कर रखी है। बाकी ये हमारी इधर की फ्रंट की रोड होगी 20 फुट की, तो दोनों तरफ आपको 20 फुट की रोड मिल जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा 3 BHK फ्लैट। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस बिल्डिंग की, तो इसके फ्रंट एलिवेशन की, बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। कंप्लीट टाइल वर्क हमने कर रखा है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा रखी है, जिससे दीवारें आपके मेंटेन रहेंगी, कहीं पे भी आपको डैम्पनेस नहीं होने वाली। और अगर मैं बात करता हूँ दोनों तरफ की चौड़ी रोड्स की, तो दोनों तरफ आपको 20 फुट की रोड्स मिल जाती हैं, तो बहुत ही ईजी एक्सेस है गाड़ी से आने में और जाने में। तो ऑलमोस्ट गाइस ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से उत्तर में अगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन भी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ से द्वारका सेक्टर 3 जो आकाश हेल्थ केयर हॉस्पिटल है वहाँ से भी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बहुत ईजी एक्सेस है इस प्रॉपर्टी पे आने के लिए, चाहो तो आप द्वारका साइड से आ जाओ, चाहो तो आप उत्तर नगर की तरफ से आ जाओ। तो दोस्तों ये है हमारा 3 BHK फ्लैट, जिसका बिल्ट अप एरिया मिलता है 85 गज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, और इस पे LIC से 6.9K रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन अवेलेबल है। तो दोस्तों जल्दी से आओ, इसको बुक कराओ, और हाँ इस फ्लैट की वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स के साथ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll be right back.